मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में गणित विषय के प्रश्न पत्र संकेतांक 822 आईए के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। तो यदि चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एवं अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि आने वाले सभी संकेतांकों का हल आपको प्राप्त हो सके। हम देखते हैं संकेतांक 822 आईए का प्रथम प्रश्न। प्रथम प्रश्न में दिया है, पहले प्रश्न में कह रहा है किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। तो किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या 2 होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में दिया है बिंदु 7-3 की वाई अक्ष से दूरी होगी। तो किसी भी बिंदु की अगर वाई अक्ष से दूरी कहता है तो वाई अक्ष से दूरी सदैव भुज का मान होता है। तो भुज देख रहे हैं 7 है, तो बिंदु 7-3 की वाई अक्ष से दूरी 7 के बराबर होगी, जो कि हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में दिया है क्या यदि P sin थीटा इक्वल टू Q cos थीटा तो कोशिक थीटा का मान होगा। तो यहाँ पर देखें P sin थीटा इक्वल टू दिया है Q cos थीटा, P sin थीटा इक्वल टू Q cos थीटा, cos थीटा पक्षांतर कर लेंगे तो sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू Q अपॉन P, sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा होता है तो tan थीटा इक्वल टू Q अपान P। अब tan थीटा हम जानते हैं लंब बटे आधार, यदि त्रिभुज बना करके इस त्रिभुज में नाम इसका A B C, इसमें कोण थीटा है, tan थीटा जानते हैं लंब बटे आधार तो Q अपान P। पाइथागोरस प्रमेय से यदि हम कर्ण की माप निकालें तो कर्ण मिल जाएगा अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। अब इसमें हमको कोशिक थीटा का मान निकालना है, कोशिक थीटा जानते हैं कर्ण बटे लंब होता है तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपान क्यू, कोशिक थीटा इक्वल टू मिलेगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपान क्यू। तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर दिया है, तो प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन ए सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, चौथे प्रश्न में दिया है, चौथे में करा टेन एक अंश टेन दो अंश टेन तीन अंश एंड शो ऑन टेन 88 अंश इंटू टेन 89 अंश का मान होगा। तो इस प्रश्न को हल करने में यदि हम पहले टेन एक अंश और टेन 89 अंश को पास पास लिख लें, टेन एक अंश इंटू टेन 89 अंश, इसी प्रकार इंटू टेन दो अंश और टेन 88 अंश, टेन दो अंश इंटू टेन 88 अंश, इस क्रम में अब आगे हम टेन 3 अंश इंटू टेन 87 अंश, इस तरह से यदि मान लिखेंगे तो मान लिखने पर यदि इसको हम सरल करें टेन 1 अंश इंटू टेन 89 अंश को यदि टेन थीटा हम कॉट थीटा में बदलें तो जानते हैं टेन थीटा काट 90 माइनस थीटा के बराबर होता है तो काट 90 माइनस 89 अंश। इसी प्रकार से टेन 2 अंश इंटू टेन 88 अंश को चेंज करें तो लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 88 अंश, सरल करेंगे इसी प्रकार से अन्य सारे पदों का मान मिलेगा। तो टेन 1 अंश इंटू 90 से 89 घटाएंगे 1 अंश मिलेगा, तो टेन 1 अंश इंटू कॉट 1 अंश, टेन 2 अंश इंटू 90 से 88 घटाते हैं तो 2 अंश मिलेगा एंड सो ऑन। इसी प्रकार से पदों को यदि आप एक साथ करें टेन और काट का गुणनफल जानते हैं 1 के बराबर होगा, तो इस प्रकार से 1 इंटू 1 इंटू 1, इस प्रकार से मान इसका बराबर 1 के आ जाएगा। इसमें हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, पांचवे प्रश्न में दिया है क्या यदि समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस q इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं तो q का मान होगा। इस दिए हुए समीकरण में क्योंकि मूल बराबर हैं
तो मूल बराबर होने का प्रतिबंध हम जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो होगा। बी का मान रख दें, बी देख रहे हैं पाँच दिया है, पाँच का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए, ए का मान थ्री है, इंटू सी माइनस क्यू इक्वल टू जीरो। सरल करेंगे, पाँच का स्क्वायर पच्चीस, माइनस माइनस प्लस हो गया, चार तेई बारह क्यू इक्वल टू जीरो। तो इस प्रकार से बारह क्यू इक्वल टू माइनस पच्चीस या क्यू इक्वल टू माइनस पच्चीस बटे बारह, तो माइनस पच्चीस बटे बारह देख रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न पाँच का ऑप्शन ए सही है। इसके बाद हम छठा प्रश्न देखते हैं। छठे प्रश्न में दिया है, छठे प्रश्न में कह रहा है समांतर श्रेणी का ग्यारहवां पद होगा। तो देख रहे हैं माइनस बासठ माइनस उनसठ एंड सो ऑन, सात दस का ग्यारहवां पद निकालना है। इस दी गई श्रेणी में आप देख रहे हैं इसका प्रथम पद ए बराबर माइनस बासठ, सर्वांतर डी निकालेंगे तो सर्वांतर डी मिलेगा माइनस उनसठ माइनस माइनस बासठ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बासठ से उनसठ घटा देंगे तो उनसठ तीन बासठ। और ग्यारहवां पद निकालना है तो एन बराबर ग्यारह है। अब हम ग्यारहवें पद का यदि सूत्र लगाएं तो जानते हैं ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए ग्यारह बराबर मिलेगा ए प्लस दस डी, ए और डी के मान रख देंगे। तो ए देख रहे हैं हमारा माइनस बासठ है प्लस दस इंटू डी, डी का मान तीन मिला है, तो माइनस बासठ प्लस दस त्याई तीस, और माइनस बासठ प्लस तीस प्लस माइनस घटेगा चिन्ह बड़ी संख्या का, तो बासठ से तीस घटा देंगे दो, छः से तीन घटा तीन माइनस बत्तीस, तो माइनस बत्तीस देख रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। तो प्रश्न छः का ऑप्शन बी सही है। इसके बाद सातवां प्रश्न है, सातवें में पी इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव, तो पी ई बार का मान होगा। तो देख रहे हैं पी ई और पी ई बार एक दूसरे की पूरक घटनाओं की प्रायिकता है, और पूरक घटना की प्रायिकता का मान पी ई बार इक्वल टू होगा वन माइनस पी ई, पी ई की माप दी है जीरो पॉइंट जीरो फाइव, तो वन से जीरो पॉइंट जीरो फाइव घटाएंगे तो हमारा जीरो पॉइंट नाइन फाइव मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न सात का ऑप्शन डी सही है। इसके बाद आठवां प्रश्न है, आठवें प्रश्न में कह रहा है एक थैले में तीन लाल और पांच काली गेंदे हैं, इस थैले से एक गेंद दिशा निकाली जाती है तो गेंद के लाल होने की प्रायिकता होगी। थैले में देख रहे हैं कुल गेंद तीन प्लस पांच अर्थात आठ गेंदे हैं, कुल गेंद बराबर दी है आठ जिसमें तीन लाल और पांच काली हैं, तो एक गेंद निकालने पर गेंद के लाल होने की प्रायिकता मिलेगी अनुकूल ढंग बटे कुल ढंग। तो लाल गेंद इसमें देख रहे हैं तीन है जबकि कुल आठ है, तो अभीष्ट प्रायिकता तीन बटे आठ होगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए पर दिया है। तो प्रश्न आठ का ऑप्शन ए सही है। इसके बाद नौवां प्रश्न है, नौवें प्रश्न में दिया है, नौवें में कह रहा चित्र में डीई समांतर बीसी, चित्र में डीई समांतर बीसी तो सीई की माप होगी। तो किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो यदि हम थेल्स की प्रमेय से हल करें तो इससे हमारा AD और DB का जो अनुपात मिलेगा, AD अनुपात DB इक्वल टू AE अनुपात EC, अब इसमें AD की माप दी है 1.3, DB की माप है 3.9 इक्वल टू AE 1.5, और EC या CE हमको ज्ञात करना है। सरल करेंगे, दशमलव हटा दिए 13 थी 39, और यदि इसमें हम तिरछा गुणा कर लें तो सी इक्वल टू मिल जाएगा 1.5 इंटू थ्री, तो इस प्रकार से 15 थी 45 एक अंक पर दशमलव लग जाएगा 4.5 सेंटीमीटर, और ये हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न नौ का ऑप्शन डी सही है। इसके बाद दसवां प्रश्न है, दसवें प्रश्न में दिया है, दसवें में कह रहा चित्र में त्रिभुज यम एन एल तथा त्रिभुज पी क्यू आर में कोण यम बराबर कोण क्यू बराबर 70 अंश, एम एन 3 सेंटीमीटर, एम एल 4.5 सेंटीमीटर, पी क्यू 2 सेंटीमीटर,
तथा क्यू आर 3 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित में सही होगा। चित्र में देख रहे हैं दो त्रिभुज हैं जिनमें दो भुजाएं और बीच का कोण, दूसरे त्रिभुज में भी दो भुजाएं और बीच का कोण दिए हैं, तो देखना है इन दोनों त्रिभुजों में क्या कंडीशन प्राप्त होती है। तो पहले त्रिभुज यन यम यल में अगर देखें तो इसकी हम यन यम और एम एल भुजा का अनुपात यदि निकालें, यन यम अनुपाते एम एल, एन एम की माप देख रहे हैं 3 सेंटीमीटर दी है, जबकि एम एल 4.5 है, दशमलव हटाएंगे ऊपर 0 लग जाएगा, और इसको यदि हम काट के सरल करें 5 छक्का 30, 5 नवा 45, 3 से और काट दें, 3 दुनाई 6, 3 त्रिक 9, तो इसका सरलतम रूप 2/3 प्राप्त होता है। अब हम दूसरे त्रिभुज में भुजाओं पी क्यू और क्यू आर का अनुपात निकालें, पी क्यू अनुपाते क्यू आर इक्वल टू 2/3, तो देख रहे हैं दोनों त्रिभुज में दो संगत भुजाओं का अनुपात समान है और उन भुजाओं के द्वारा अंतरित कोण भी समान है, अर्थात कोण यम इक्वल टू कोण क्यू, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। समरूप में हमारा त्रिभुज यन यम यल देख रहे हैं सारे विकल्पों में यन यम यल के रूप में ही दिया है, तो त्रिभुज यन यम यल समरूप होगा। अगर इस त्रिभुज को हम देखें तो त्रिभुज यन यम यल समरूप मिलेगा। यन यम के संगत देख रहे हैं पी क्यू है, तो पी क्यू आर त्रिभुज पी क्यू आर, तो ये हम देख रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है 11वें प्रश्न में दिया है, क्या 1/2 सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठ होगा। गोले का पृष्ठ हम जानते हैं 4πr² होता है, जहां r त्रिज्या है, तो यदि हम त्रिज्या की माप यहाँ देख रहे हैं 1/2 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या का मान 1/4 मिल जाएगा। 1/4 × क्योंकि स्क्वायर है 1/4, सरल कर लेंगे 4 4 कट जाएगा, तो π/4 cm², ये गोले का प्रश्न मिलेगा, जो कि हम देख रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी पर दिया है, तो प्रश्न 11 का ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 12वां प्रश्न है, 12वें प्रश्न में दिया है, क्या 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30° का कोण अंतरित करता है, तो संगत चाप की माप होगी। संगत चाप की माप का सूत्र होता है, अगर हम संगत चाप के माप की बात करें, संगत चाप के लिए सूत्र है 2πr θ/360°, इसी में मान रख देंगे 2πr, त्रिज्या देख रहे हैं 6 सेंटीमीटर दी है, इंटू थीटा 30° है, बटे 360, सरल कर लेंगे। सरल करने पर देख रहे हैं 6 त्रिक 18 दुनाई 36 और 10 यानी 360, तो संख्याएं पूरी पूरी ऊपर नीचे से कट जाती हैं, तो इक्वल टू पाई सेंटीमीटर, तो संगत चाप की माप पाई सेंटीमीटर होगी, जो कि हम देख रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर डी पर दिया है, तो प्रश्न 12 का ऑप्शन डी सही है। इसके बाद 13वां प्रश्न देखें, 13वें प्रश्न में दिया है, 13वें प्रश्न में कह रहा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर मिलती है, यदि ओ क्यू 12 सेंटीमीटर तो पी क्यू की माप होगी। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में एक वृत्त दिया है जिसकी त्रिज्या कह रहा 5 सेंटीमीटर है, वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से कह रहा बिंदु क्यू पर मिलती है, तो एक स्पर्श रेखा है और ये स्पर्श रेखा केंद्र ओ से कह रहा जाने वाली रेखा से बिंदु क्यू पर मिलती है, ओ क्यू पी। अब हमको पी क्यू की माप निकालनी है, इसमें देख रहे हैं त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ओ क्यू 12 सेंटीमीटर है, अब हमको पी क्यू की माप निकालना है। हम जानते हैं स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसके अनुसार कोण ओ पी क्यू 90° मिल जाएगा, तो 90 के सामने वाली भुजा ये हमारी कर्ण बन जाएगी। अब हमको पी क्यू की माप निकाल लेना है, तो पी क्यू के लिए फार्मूला बनेगा पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट ओ क्यू का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर। ओ क्यू और ओ पी के मान रख लें, ओ क्यू देख रहे हैं दिया है 12 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 144 माइनस 25
144 से 25 घटाएंगे, 14 से 5 घटाए 9, 3 से 2 घटाए, इस प्रकार से अंडरवुड 119 सेंटीमीटर, ये हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर दिया है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही है। इसके बाद 14वां प्रश्न है, 14वें प्रश्न में दिया है कि संख्याओं 182 और 78 का HCF होगा, तो इसमें हम 182 और 78 के यदि खंड कर लें, 182 खंड करेंगे, 2 नहीं 18, 2 एकम 2 और 13 सत्ते 91, तो इस प्रकार से 182 के गुणनखंड मिले 2 गुणे 7 गुणे 13 और दूसरी संख्या हमारी 78 है, 78 के यदि हम खंड करें, 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 नहीं 18, इसके बाद 3 से काट दें, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, तो 78 के खंड मिलते हैं 2 गुणे 3 गुणे 13 और माशा जानते हैं दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो दोनों में देख रहे हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड में एक तो दो दोनों में है, दूसरी संख्या 13 दोनों में है, तो 2 गुणे 13, 13 दुनाई 26, तो दोनों संख्याओं का माशा 26 मिलेगा, जो कि हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर दिया है, तो प्रश्न 14 का ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 15वां प्रश्न है, 15वें प्रश्न में एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर हो तो उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं 2 पाई आर एच, इसी में मान रख देंगे 2 पाई आर का मान 3.5 इंटू एच 8.4, सरल कर लेंगे, सरल करने पर पाई 2 का गुणा 3.5 में करेंगे तो पाई इंटू 35 गुणाई 70, एक अंक पर दशमलव लगा दें तो 7.0 गुणे 8.4, अब देख रहे सारे विकल्प हमारे पाई के पद में दिए हैं इसलिए हमको पाई के रूप में निकालना है, 7 का गुणा कर देंगे, 7 चौक 28, 7 8 56 और 56 2 58, एक अंक पर दशमलव लगा देंगे तो 58.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हम देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर डी पर दिया है, तो प्रश्न 15 का ऑप्शन डी सही है। इसके बाद 16वां प्रश्न है, 16वें प्रश्न में दिया है क्या 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है तो उसका क्षेत्रफल होगा, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश, इसी में मान रख देंगे पाई इंटू आर, त्रिज्या देख रहे हैं 4 है, 4 का स्क्वायर इंटू थीटा 60 अंश है बटे 360 अंश, सरल कर लिए 6 6 36, 4 का स्क्वायर 16 तो पाई गुणे 16 बटे 6, 2 तिहाई 6, 2 चौक 2 अट्ठे 16, इस प्रकार से 8 पाई बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 8 पाई बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर देखें तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी पर दिया है, तो इस प्रकार से प्रश्न 16 का ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 17वां प्रश्न है, 17वें प्रश्न में दिया है, 17वें प्रश्न में कह रहा द्विघात समीकरण का विभक्तिकर होगा, तो द्विघात समीकरण में अगर देखें तो a का मान 1, b का मान 1 और c का मान -1 है, विभक्तिकर b स्क्वायर माइनस 4ac, इसी में मान रख देंगे तो देख रहे हैं b का मान 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1, c माइनस 1, सरल करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 1 का गुणनफल 4 तो 4 1 5, तो देख रहे हैं विभक्तिकर का मान 5 आएगा जबकि हमारे किसी विकल्प में 5 नहीं दिया है, तो इस प्रकार से प्रश्न 17 ये हमारा गलत है और इसमें सभी विद्यार्थियों को एक अंक प्रदान किया जाएगा। इसके बाद 18वां प्रश्न है, 18वें प्रश्न में दिया है द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल होगा, तो मूलों के योगफल का हम फार्मूला जानते हैं, मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक देख रहे हैं माइनस 4 दिया है बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है, तो इस प्रकार से सरल करेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 एकम 4, तो मूलों का योगफल 1 मिलेगा जो कि हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर दिया है, तो प्रश्न 18 का ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा,
इस दी गई सारणी का हमको माध्य निकालना है। तो अगर इसका हम माध्य निकालें तो माध्य के लिए वर्ग अंतराल दिए हैं, तो यदि इसमें हम एक मध्यमान और निकाल लें, मध्यमान जिसका प्रतीक x लिखते हैं, 0 से 10 का मध्यमान 5 आ जाएगा, 10 से 20 के बीच 15, 20 से 30 के बीच 25 और 30 से 40 के बीच 35, 40 से 45, 50 के बीच हमारा 45 आ जाएगा। बारंबारता f दी है, f इंटू x का एक कालम यदि हम इसमें और बना लें, 5 चौको 20, 15 और 7 का गुणा करेंगे तो 15 सत्ते 105, 25 पंचे 125, 35 और 8 का गुणा करेंगे 8 पंच 40, 8 त्रिक 24, 24 चार 28, 6 पंचे 30, 6 चौको 24, 3 27। अब हम बारंबारता का योगफल और एफ एक्स का योगफल अगर निकाल लें, इसमें अगर देखें बारंबारताओं को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ हमारा मिल जाएगा। सिग्मा एफ इक्वल टू अगर जोड़ के लिखें 4 7 11 5 16 16 8 24 24 6 30, तो सिग्मा एफ हमारा ये 30 मिलता है। अब हम एफ एक्स का योगफल अगर निकालें तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू मिल जाएगा, सिग्मा एफ एक्स अगर देखेंगे 5 5 10, हासिल 1 मिला, 3 3 2 5, 5 8 13, 13 7 20, 20 में हासिल 2 मिला, तो 2 1 3, 1 4 4 2 6 6 2 8, सिग्मा एफ एक्स का मान 800 मिलता है। अब हमारा माध्य का फार्मूला है, समांतर माध्य x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स 800 बटे 30। सरल कर लेंगे, 3 का भाग यदि आप 80 में दें तो 3 दुनाई 6 2 8 20 हुआ, 3 6 18, तो 26.66। ये देख रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी पर दिया है, तो प्रश्न 19 का ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वें प्रश्न में दिया है करा निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा, तो माध्यक वर्ग के लिए इसमें अगर हम संचयी बारंबारता का एक कालम और बनाएं, संचयी बारंबारता पहले वर्ग अंतराल की बारंबारता और संचयी बारंबारता दोनों समान होती है। इसके बाद 8 6 14 14 में 11 जोड़ेंगे तो 14 10 24, 1 25, 25 और 18 जोड़कर लिखेंगे 25 10 35 और 35 8 43, 43 में 6 जोड़ दिए तो 43 6 49। इस प्रकार से बारंबारताओं का योग अगर निकालें तो जोड़ने पर ये भी हमारा 49 मिलेगा। अब n बाई 2 तो 49 बटे 2 हमारा 24.5 मिलता है। यह देखें तो यह हमारा संचयी बारंबारता 25 के अंतर्गत होगा, इसलिए माध्यक वर्ग 20 से 30 होगा, और 20 से 30 अगर देखें तो यह हमारा ऑप्शन नंबर बी पर दिया है, तो माध्यक वर्ग 20 से 30 होगा, ऑप्शन बी सही है। तो यदि बच्चों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एवं अपने मित्रों को शेयर कीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी संकेतांकों का हल नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंच सके और सारे संकेतांकों का हल देख सकें। और यदि किसी प्रकार का कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट्स के माध्यम से अवश्य दें। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग, और इस सेक्शन बी का हल अगले अंक में लेकर आएंगे। थैंक यू।